क्या दो दिन के लिए आएंगे? अब
मैंने इसलिए भैया से कहा था कि मेरे बड़े जो ब्रदर हैं जो इस पूरी डील को डील करेंगे, जो सब चीज करेंगे, मैं एक बार भैया आपसे मुलाकात करा देता हूँ। मैंने यही बात हुई थी कि वो इसमें महारत, वो सब कुछ बता देंगे आपको। मैं हरिपाल जी ने हमारा हरिपाल जी ने हमारा ना ऐसे गिरा के मारा है ना, बस पूछिए मत। वो जानते सर, जानते हैं। उन्होंने कजिन ब्रदर से ले भी लिया और आज भी आपको पता है क्या स्थिति है, एक बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया उन्होंने, लेकिन काम नहीं। अब पीछे पड़े हैं, वो आता रहता है, हमारी बोलचाल भी खत्म हो गई कजिन ब्रदर के साथ, पूरी बोलचाल ही खत्म है। सर हरिपाल जी के थ्रू एक बार हो चुकी है, उसमें धोखा खा चुके हैं बहुत भयंकर रूप से, और अभी भी यही हुई थी कि भाई एक बार मिलना जरूरी है, अगर आप चाहें तो मैं कल ब्रदर को बुला लूंगा, वो आ जाएगा सुबह 2 बजे तक आ जाएगा, परसों बुला लूंगा, 3 दिन बाद बुला लूंगा जब आप कहें, क्योंकि सारी क्लैरिफाई वो मेरे से बेहतर वो जानता है। मैं वो मैं उस चीज के लिए तो तैयार हूँ। हाँ, दो मीटिंग कह रहा था मैं, एक हो गई एक भैया से। अगली बार आपने कहा था 25% बिल्कुल यही कहा था, मैं अभी भी तैयार हूँ। सर कह रहे हैं ना थोड़ा सा प्रोफाइल, आपको क्या क्या स्टेट का अनुभव है, वो अनुभव के बारे में मैं क्या बता दूँ आपको। हाँ ऑलरेडी हमने पॉम्पी चड्डा ग्रुप के साथ भी मिलके पैसे लगाए थे। यूपी मुरादाबाद, पता नहीं क्या क्या था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पास ये, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब चीजें, ये बहुत इस बात की, हर दूसरा आदमी देहरादून में घूम रहा है। हाँ सर ये तो बात है जी, FL2 का मैं करा दूंगा, FL2 का हो रहा है, FL2 का इसको हो गया, FL2 का उसको हो गया, ये चर्चाएं ना हो सर। हम अच्छा सर गाँव से तो नहीं होते, बाकी जो है सर एक बात हाँ सर, ये हमारी होती कि मार्च से मार्च होगा या नहीं, जैसे मान लीजिए हमारा काम पहली बात तो कितने दिन में होगा, दूसरा कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर में हो गया, अक्टूबर से अक्टूबर होगा या अक्टूबर से मार्च होगा, मार्च के बाद नहीं होगा लोगों का, ये चीज बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, वो उन्हें गोली दे रहे हैं, बस ये हो रहा है कि पेमेंट वापस जाएगी। और ये जो हुआ था वो अगर आप कहें तो मैं बता दूं कितने में हुआ था। छोड़ो यार किसको क्या हो गया, ऋषभ को भी जानते हैं? ऋषभ पूरा नाम बताइए क्या जी? नहीं यार ये दिन नकुल चौधरी है, ये सबको उस ग्रुप से तो नहीं टकरा है ना, राजीव त्यागी से तो नहीं टकरा है, राजीव त्यागी नहीं, वो नाम है जो मतलब मार्केट में घूमते रहते हैं कि जी लाओ जी काम करा दूं, और दूसरे से आदमी से टकरा रहे हैं, सर हम तो आपको बता दें लोगों के साथ भी ऐसा करके इसी काम कारण से जो है ना इतना डिले भी हो गया और काम भी हो गया, इसको बड़ी मुश्किल से काम को निकलना आसान नहीं किया, क्योंकि इतनी चर्चा जब किसी चीज की हो जाती है ना तो शराब जो है ऐसी चीज है जैसे गंदी औरत, तो जितनी चर्चा हो उसके चाहने वाले उतने ही है, उसकी बोली लगाने वाले उतने ही है, ये
मुझे जो है मुझे तो ये है कि भाई अगर आपने जैसे कहा 25% ये देंगे पहले, अगर उस कमिटमेंट में मान लीजिए कोई बात लिखी होती है तो फिर वो आगे पीछे से बता दो, मतलब ये कि पोजीशन खराब होती है। मैंने कल मैंने बात जब करूंगा जब मुझे लग जाएगी बात करनी चाहिए। मैंने सर से दो बात की थी, मैंने ये कहा था एक तो आपसे मुलाकात, दूसरी ये कि 2 बजे दिल्ली में पेमेंट हम करेंगे, इससे पहले मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, वो भैया ही अरेंज करेंगे और वो वहीं से वहीं करेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि जब तक जो आदमी सिस्टम को नहीं समझता हो ना, आपसे बात कर ले, उसे पता नहीं कि एक्साइज डिपार्टमेंट में कौन कौन है, किसके पास चार्ज है, फाइलें भी तो ठीक करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि सीएम साहब से बात हो गई और एकदम से जो है भाई कोई, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊँ, यहाँ तो ये उत्तराखंड है, छोटा स्टेट है, बहुत शोर मचता है, हर आदमी का शोर मचता है, हर आदमी को, मैं ये भी कह रहा हूँ कि शायद आपको जो है जो शोर मचा है उसको थोड़ा सा समझ भी करना पड़े, वो बहुत छोटी बातें होती है जब आदमी इतने बड़े काम में घुसता है ना, जैसे खनन वाले हैं तो उनको पता रहता है मीडिया को कैसे मैनेज करना है, किसी को कैसे मैनेज करना है, छोटी मोटी चीजें उन्हें करनी पड़ती है, ये सारी चीजें जैसे आप बोलते हैं रचकर जैसी बात, लेकिन एक बार चार पांच बात करके ना मैं जो है आप जैसे बात फाइनल करोगे उस हिसाब से मैं कल कर श्योरिटी चाहता हूँ। कल मैं श्योरिटी के लिए अपनी पोजीशन ऐसे जनरल मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग कभी हरियाणा से आता है कोई आदमी, कभी जो है वो सर मैंने आपको एक ही नाम बताया, एक ही नाम बताया उस समय जब ये सीएम भी नहीं बने थे तो वो उनके साथ लगे हुए थे गाजियाबाद में, सारी मीटिंग्स अरेंज करना वो ही करते थे, तो हम भी उसी इन्फ्लुएंस में थे भाई, वो सारे दिन हरीश रावत जी के साथ कोई घूम रहा है तो क्या मतलब है। चलिए सर मैं कल अपना वादा पूरा कर देता हूँ, बस मुझे एक चीज बता दीजिए कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं होता, एक बार अगर अंदाजा, एक सर एक अंदाजा, अंदाजा क्या है जब आप एक चीज फाइनल होनी होती है तो 10-15 दिन में हो जाती, बाकी जो है ठीक है, मुझे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करानी होगी उसके लिए, मुझे क्या क्या प्रोवाइड इन्हें मैं कल ही करा दूंगा इन्हें, जो पेपर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करने होते हैं, आपका अनुभव होता है जी, आपने उसका क्या क्या स्टेट में काम कर रखा है, ये जो चीजें मैंने बेसिक प्रमाणी वो सारी है फिर आपके पास, ठीक है सर हम कल और जरूरत होगी तो मैं जब एक बार फेस पर बात हो जाएगी तो हम किसी अपने एक्साइज कमिश्नर या किसी को लगा देंगे जो आपके पेपर ठीक कराए, जिससे पेपर में कोई कमी ना आए, किसी को हम लगा देंगे, ठीक है सर।